नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रावणी मेले में आतंकी हमले की आशंका को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी। एसएसपी ने कहा संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। मेले के दौरान सुल्तानगंज प्रशासन ने चलाया सर्चिंग अभियान, लापरवाह पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार, अवैध कब्जा हटाने के दिए निर्देश। कर्मचारी यूनियन के हड़ताल की घोषणा का परीक्षा पर पड़ा असर, 18 जुलाई से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं हुई स्थगित। टीएमबी में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद ने की तालाबंदी, अंक्रांति सेना ने कुलाधिपति का फूका पुतला। और एनएचएससी पर बह रहा है नाले का गंदा पानी, राहगीर परेशान। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला पर कट्टरपंथी और आतंकियों की टेढ़ी नजर है, जिसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद मिली। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला पर आतंकी हमला की एडवाइजरी गृह मंत्रालय द्वारा जारी होने पर भागलपुर एसएसपी बाबूराम शनिवार को पुलिस पदाधिकारियों और दलबल के साथ सुल्तानगंज पहुंचे, जहां एसएसपी ने नमामि गंगे जहाज घाट, अजकैवीनाथ, गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण किया और सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दी। वहीं इस दौरान एसएसपी ने कहा कि मेला में आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने की सख्त हिदायत दी गई है, जिससे श्रावणी मेला में किसी तरह के व्यवधान या आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का भी निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। इसके अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसकी मदद से जगह जगह तैनात सुरक्षा बल निगरानी कर रहे हैं, जबकि आतंकी हमले की साजिश को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को भी सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है। मौके पर थानाध्यक्ष लाल बहादुर सहित कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर सभी घाट पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा पूरे शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिनका नियंत्रण सुल्तानगंज थाना में बनाया गया है। यहाँ 24 घंटे पुलिसकर्मी सभी जगहों पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा जितने शहर के चारों तरफ जो रास्ते आते हैं वहाँ पर गाड़ियों को रोक कर वहीं पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है, ताकि शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और सभी वरीय पदाधिकारी लगातार मेला में घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि सभी पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ अपनी ड्यूटी करते रहें। भागलपुर सुल्तानगंज के अजकैवीनाथ धाम में शनिवार को सुल्तानगंज सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार और सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने संयुक्त रूप से श्रावणी मेला क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान सीओ, बीडीओ और थानाध्यक्ष ने गैर कानूनी तरीके से सड़क किनारे नाले पर लगी दुकान, धर्मशाला और गंगा घाट किनारे गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाने वालों को अविलंब हटाने का निर्देश दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि दुकान नहीं हटाने पर दोषियों फाइन की वसूली करने के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने मेला क्षेत्र में पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल को ड्यूटी में लापरवाही देखते हुए पुलिस कर्मियों को सही तरीके से ड्यूटी करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि कांवरियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों को अपनी अपनी ड्यूटी सही से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाने वालों को नियमों का उल्लंघन कर दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। सर्चिंग के दौरान अधिकारियों के साथ कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद टीएमबीयू प्रशासन ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। परीक्षा रद्द होने की सूचना शनिवार को जारी की गई। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 18 जुलाई 2022 से होने वाली सभी परीक्षाएं शिक्षित कर्मचारियों के हड़ताल के कारण अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। PRO डॉ. दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि परीक्षा रद्द होने की सूचना विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबुद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों, प्रभारी प्रधानाचार्यों और केंद्राधीक्षकों को भेज दी गई है। बिहार का तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। प्रत्येक दिन कोई न कोई धरना प्रदर्शन यहां देखने को मिल जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को छात्र राजद और अंक्रांति सेना ने प्रशासनिक भवन के सामने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने बताया कि स्थायी कुलपति नहीं होने के चलते विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर काफी नीचे गिर
चुका है। वहीं TMU में छात्रों को डिग्री नहीं मिल पाने का मामला भी दूर पकड़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से छात्र राजद के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर अधिकारी और कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं। शनिवार को जब छात्र राजद के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन बंद कराने पहुंचे, तभी कर्मियों ने मुख्य द्वार और सीनेट हॉल के बगल वाले प्रवेश द्वार में अंदर से ताला लगा दिया। इसके बाद छात्रों ने भी दोनों गेट में बाहर से ताला लगा दिया और धरना पर बैठ गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन की बिजली काट दी। इसके बाद गर्मी से कर्मियों का पसीना छूटने लगा। इस दौरान दर्जनों छात्र और कर्मचारी प्रशासनिक भवन से बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद बाहर निकलने को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मी और छात्रों के बीच हंगामा शुरू हो गया। नौबत हाथापाई और धक्का मुक्की तक आ गई। काफी हंगामे के बाद छात्रों ने गेट का ताला खोला, जिसके बाद कर्मचारी बाहर निकले। वहीं धरना दे रहे छात्र राजद के लालू यादव, आशुतोष यादव, राजा, राधिका रमन और उमरदास ने कहा कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे का दस्तखत नहीं होने से हजारों छात्रों का सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। साथ ही डिग्री नहीं मिलने से सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन दूर दूर से छात्र जरूरी काम से विश्वविद्यालय आते हैं, लेकिन अधिकारी के नहीं रहने के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है। धरना पर बैठे छात्रों ने कहा कि जब तक तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। नहीं होगा जब तक मेरा आंदोलन चलते रहेगा। अस्थायी VC का मांग है, सिर्फ अभी हमको अस्थायी VC चाहिए। तिलकामांझी विश्वविद्यालय विधवा हो गया है, VC नहीं है, कोई पदाधिकारी अपना मनमानी कर रहा है। आने का 11 बजे तो आ रहा है, 2 बजे 4 बजे। आज आप सभी को मीडिया कर्मियों से लेके छात्र और छात्र के गार्जियनों को भी पता है कि पिछले 8 महीने से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है। 7 से 8 हज़ार डिग्रियाँ रखी हुई हैं जिनके लिए भविष्य अटका हुआ है छात्रों का, उस डिग्रियों पर दस्तखत नहीं हो पाया है कुलपति महोदय का, और 8 महीने से विश्वविद्यालय से गायब हैं। इसी को लेकर हम अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर बैठे हुए हैं कि विश्वविद्यालय को नया कुलपति दिया जाए और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला सके, वैसी कुलपति का नियुक्ति की जाए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र संगठनों का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को अंग क्रांति सेना और छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विश्वविद्यालय छात्र सेवा केंद्र से आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं प्रशासनिक भवन परिसर में छात्रों ने कुलाधिपति फागू चौहान और प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिशिर रंजन सिंह के नेतृत्व में कुलाधिपति फागू चौहान का पुतला फूंका। कार्यक्रम का नेतृत्व अंग क्रांति सेना के विश्वविद्यालय अध्यक्ष गौतम पासवान एवं छात्र संघर्ष मोर्चा के विश्वविद्यालय संयोजक साकेत राज कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर रंजन सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय बेपट्टी हो चुका है। उन्होंने बताया कि कुलाधिपति को नींद से जगाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक मार्च किया जाएगा। शिशिर रंजन ने CM नीतीश कुमार से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जल्द अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करने की मांग की है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर ने कहा कि छात्र छात्राओं को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलना उनके साथ अन्याय है। मौके पर विश्वविद्यालय प्रभारी अमरजीत मंडल ने कहा कि जब तक अस्थायी कुलपति विश्वविद्यालय को नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर आयशा नेता, प्रवीण कुशवाहा, साकेत राज, प्रशांत कुमार, चंदन भारद्वाज समेत छात्र संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो स्थिति है, अराजक स्थिति है, छात्र छात्राओं में हाहाकार है। बिहार के राज्यपाल कुलाधिपति महोदय जो हैं वो कान में तेल देके, यानी जो भी उनके पास बोला जाए वो कमतर है, उस तरीका का रवैया तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का है। पिछले 8 माह से यहाँ कुलपति नहीं आए हैं। कुलपति विहीन विश्वविद्यालय में न तो छात्रों को मूल प्रमाण पत्र मिलता है, न छात्रों को डिग्री मिलता है, न प्रोविजनल मिलता है, न माइग्रेशन मिलता है, अनेक प्रकार की समस्याओं को है। जब छात्र यहाँ पर अपने मांग को लेकर रखने आते हैं तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो दबाने का प्रयास करते हैं छात्र छात्राओं को। इस स्थिति को देखते हुए अंग क्रांति सेना और छात्र संघर्ष मोर्चा ने सामूहिक रूप से आज विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का मार्च करते हुए कुलाधिपति का पुतला फूंका है। सबसे पहले देख रहे हैं कि अनेकों छात्र कटिहार से, पूर्णिया से, भागलपुर के अन्य जिलों से, सभी जिलों से आते हैं और यहाँ पे मतलब मूल प्रमाण पत्र और डिग्री सब वगैरह वगैरह कागज लेने वो आते हैं। यहाँ पे कोई भी कागज उनको नहीं मिल पाता टाइम पे, और ये विश्वविद्यालय जजुआरियों का अड्डा बनते जा रहा है। 4 बजे के बाद विश्वविद्यालय के मेन गेट में ताला लग जाता है,
कोई देखने वाला नहीं, आए दिन लड़कियों के साथ खुले हम मतलब वहाँ पे कमेंटबाजी दंगाई हाथ पकड़ा घिंचा घिंची होता है, लेकिन कोई विश्वविद्यालय के प्रशासन भी कोई देखने के लिए एक बार भी यहाँ नहीं आता है और ना कोई है यहाँ पे देखने के लिए। विश्वविद्यालय का मतलब एकदम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर स्थित जवाहर सिनेमा हॉल के समीप भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग NH 80 पर नाले का गंदा पानी जमा हो जाने से राहगीरों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि NH 80 सड़क के दोनों ओर नगर निगम के द्वारा समय पर नाला उड़ाही नहीं कराने के कारण नाला का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। वहीं इसके कारण आए दिन आवाजाही के क्रम में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, जबकि अक्सर इसके कारण सड़क पर घटना भी होती रहती है। इधर जल जमाव की समस्या को लेकर इलाके के कुंदन कुमार ने कहा कि पहले भी इसी तरह पानी रोड पर आ गया था, जिसकी शिकायत नगर निगम से की गई थी, जिसके बाद निगम द्वारा नाले की उड़ाही की गई थी। साथ ही कहा कि लगातार हो रहे जल जमाव की समस्या से आसपास के लोग और राहगीर काफी परेशान हैं और प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर समस्या जल जमाव हमेशा बना रहता है और नगर निगम में भी कंप्लेन किया गया था, बीच में समस्या का हल हुआ था, फिर वही समस्या आ चुकी है। नाला का निर्माण हो रहा था और अभी फिर जो है जल जमा बनी हुई है, लेकिन अभी तो खोल दिया गया है। फिर भी अब पता नहीं क्या करेंगे, नाला का साफ सफाई सही समय पर नहीं हो पाता है, यहाँ पर जल जमा है, उसका समस्या का मेन कारण यही है कि नाला का सफाई नहीं हुआ। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रिय दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कच्ची कांवरिया पथ एवं गंगा घाटों पर 12 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। कांवरियों को स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी होने पर इस शिविर की मदद से जरूरी दवा और सहायता मुहैया कराई जाएगी। वही इसको लेकर सुल्तानगंज रेफर अस्पताल के दवा भंडार पाल के अमर कुमार एवं जितेंद्र कुमार का कहना है कि श्रावणी मेला क्षेत्र में विभाग द्वारा बनाए गए 12 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में दवा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जबकि विशेष परिस्थिति में जिला मुख्यालय अस्पताल में तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध है। कर्मियों ने कहा कि निर्बाध रूप से शिविर संचालन के लिए 3 शिफ्ट में स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही कहा कि कांवरियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए लगातार पदाधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सारी दवाएं अवेलेबल हैं, डेली प्रतिदिन शिविर में दवा भेजी जाती है। कितना दवाई का खपत हो रहा है, किस अनुपात से कौन कौन ज़्यादा दवाई का मांग है? दवाई का मांग डैक्लो, माइकोनाजोल, डैक्लोजेल और लिवोसिट्रिजिन, पैरासिटामोल, एमोक्सिसिलिन, क्लेरम, पैर उन छाला वाला करने के बाद दर्द का सब चीजें। भागलपुर TNB कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में शनिवार को बधाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश सिन्हा को सम्मानित करते हुए भापमिनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को समर्पित गीत और गजल की प्रस्तुति दी। समारोह में डॉक्टर मिथिलेश ने कॉलेज के शिक्षकों, कर्मियों और स्टूडेंट्स के बीच बिताए गए समय और अनुभव को साझा किया। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्वागत और विदाई प्रकृति का नियम है, इसके अनुपालन से परंपरा स्वच्छ बनी रहती है। मौके पर अंग्रेजी विभाग के HOD प्रोफेसर रतन मंडल, प्रोफेसर DN राय समेत के शिक्षक और स्टूडेंट्स मौजूद थे। बड़ा ही मेरे लिए जीवन का ऐतिहासिक दिन है, 40 साल तक महाविद्यालय में पढ़ाने के बाद आज हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम अपने विद्यार्थियों के प्रति, खासकर MA के स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही अनुग्रहित हैं, शुक्रिया उनको जिन्होंने हमारे सम्मान में ये फेयरवेल
पार्टी जो आयोजित किया, ये बहुत से पुराने यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं। 40 साल के दौरान विद्यार्थियों का प्रेम और सहयोग हमको हमेशा मिला। श्रावणी मेला के तीसरे दिन भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में नमामि गंगे जहाज घाट पर आई कार्ट नहीं रहने के कारण फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफरों को पुलिस प्रशासन द्वारा गंगा घाट से भगा देने का मामला सामने आया है। इसके बाद आक्रोशित सभी फोटोग्राफर ने एकजुट होकर हंगामा करते हुए कहा कि आई कार्ट के लिए थाने में आवेदन देने पर हस्ताक्षर के नाम पर 1000 रुपये की मांग की जाती है, जबकि नगर परिषद में आई कार्ड बनाने के लिए 1100 रुपये लिया जाता है। फोटोग्राफरों ने कहा कि पूर्व में 350 रुपये लिया जाता था, वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर गंगा घाट पर पहुंचे और सभी फोटोग्राफर को समझा बुझा कर हंगामा शांत कराया, जबकि उन्होंने सभी फोटोग्राफर को गंगा घाट में फोटोग्राफी की अनुमति देते हुए कहा कि आई कार्ड पर हस्ताक्षर के लिए 1000 रुपये नहीं लगेंगे। साथ ही थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने कहा कि सभी फोटोग्राफर को अपने पास आधार कार्ड रखना होगा, जबकि महिलाओं के गंगा स्नान करने की जगह पर फोटोग्राफी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर काफी संख्या में फोटोग्राफर एवं पुलिस कर्मी मौजूद थे। मांग रहे साइन करने का, ठीक है, लाइसेंस बनने के 1110 रुपए मांग रहा है, इसीलिए हम लोग लाइसेंस नहीं बना रहे हैं। पानी फोटो नहीं खींचने चले, पानी में फोटो नहीं खींचने चले, बताइए है खींचने के लिए हम फोटो नहीं जाएगा, इसी कारण हम लोग कार्ड नहीं बनाए। अगले बार जो है 300 रुपए साइन करने थाना में, 1175 रुपए कार्ड बनने का, इतना ही बनाया जाता है बनाने के लिए कार्ड, इतना ही बनाया जाता है, ऐसे फोटो खींचेंगे। नवगछा BLS कॉलेज के अनुदान की राशि से वंचित शिक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल्द से जल्द अनुदान की राशि देने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित शिक्षकों ने कहा कि यदि जल्द ही उन लोगों को अनुदान राशि नहीं मिली तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर रंजन विजय यादव ने कहा कि कॉलेज के 12 शिक्षक और 4 शिक्षकेतर कर्मचारियों को पिछले 8 साल से अनुदान नहीं मिला है, जबकि अनुदान की आस में शिक्षक दिलीप कुमार और शिक्षिका कुमारी शांति सिन्हा का निधन हो गया, लेकिन बावजूद इसके अनुदान राशि का इंतजार खत्म नहीं हुआ। इधर शिक्षकों ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई कमेटी ने अब तक इस मामले की जांच नहीं की है, जिसके कारण शिक्षक काफी मायूस है। इस दौरान शिक्षकों ने सिंडिकेट द्वारा कई फर्जी शिक्षकों को बहाल कर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों को अनुदान की राशि दी जा रही है। साथ ही कहा कि अगर इसी तरह उन लोगों के साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता रहा तो वे सभी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताते हुए आंदोलन करेंगे। इसकी शुरुआत काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन से होगी। मौके पर डॉक्टर रणविजय सिंह, डॉक्टर चंद्रेश्वरी पंडित, अशोक प्रसाद यादव, अनिल कुमार शर्मा और तरुण कुमार सिन्हा समेत के शिक्षक मौजूद थे। आदि पंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन, BLS कॉलेज में बच्चा। हम लोगों का नियुक्ति 6/11/88 से हम लोग खट रहे हैं बनारसी लाल सराब में। हम लोग को इंटर में दिखाया जा रहा है कि आपका नाम इंटर में दे दिया, जबकि हमारा नियमितीकरण हो गया, सब चीज हो गया, और इंटर में सब पर्सियन की पढ़ाई होती ही नहीं है, एंशियंट की पढ़ाई होती नहीं है, तो इसी आधार पर हम लोग को इंटर में दे दिया, जबकि हम लोग डिग्री में है, नियमितीकरण हो गया, अनुदान नहीं मिल रहा है। मेरा नियुक्ति 6/11/88 को हुआ। सरकार के द्वारा जब वित्त रहित स्कीम का जो घोषणा हुआ था कि अब सरकार जो है अनुदान देगी, तो उसमें जो तत्कालीन तदर्थ समिति के सचिव थे उनके द्वारा जो है सो मुझे डिग्री कॉलेज में रखा गया, लिस्ट में प्रोसीडिंग में भी है, और उसके आधार पर हमको जो है अनुदान मिला 7-8 का। लेकिन उसके बाद 7-8 पे मिला 8-9 का अनुदान जो है किसी कारणवश जो नए एडहॉक हटे, उसके बाद जीबी का गठन हुआ, जीबी के गठन के बाद ही जो है ना हमको रिप्लेस कर दिया गया और दूसरे जो है मनीष श्याम झा को उनको दिया जाने लगा। हमारे यहाँ 2008 के 8 से मामला बिगड़ गया फर्जी नियुक्ति करने के बाद। हमारे जो समर्पित नियुक्त कर्मी शिक्षक हों या शिक्षकेतर कर्मी हों, जो 83 से फिर 87-88 से आज तक कार्यरत हैं, उनको उनके जगह पर या तो 8 में फर्जी नियुक्ति दिखा दिए, या फर्जी नियुक्ति दिखाने के बाद उनको अनुदान में भी
शामिल कर लिया गया, उनके लिए मानवता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रावणी मेले में आतंकी हमले की आशंका को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी, एसएसपी ने कहा संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। मेले के दौरान सुल्तानगंज प्रशासन ने चलाया सर्चिंग अभियान, लापरवाह पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार, अवैध कब्जा हटाने के दिए निर्देश। कर्मचारी यूनियन के हड़ताल की घोषणा का परीक्षा पर पड़ा असर, 18 जुलाई से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं हुई स्थगित। टीएमयू में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद ने की तालाबंदी, अंक्रांति सेना ने कुलाधिपति का फूका पुतला। और एनएचएससी पर बह रहा है नाली का गंदा पानी, राहगीर परेशान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।